चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मुरैना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दी गई है। खंडवा में नरेंद्र पटेल का भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल से अब मुकाबला होगा। कांग्रेस ने मुरैना में भाजपा के शिव मंगल सिंह के सामने सत्यपाल सिंह सिकरवार को मैदान में उतारा है, तो वहीं ग्वालियर में भाजपा के भारत सिंह कुशवाहा के सामने प्रवीण पाठक को टिकट दी गई है। कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई थी लेकिन अब उसमें भी नामांकन रद्द हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की बाकी बची 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और ये सभी उमंग सिंघार की पसंद बताए जा रहे हैं। तो शिव मंगल सिंह और सत्यपाल सिकरवार अब आमने सामने हैं। हालांकि मुरैना की अगर बात की जाए तो एक ही समाज के प्रत्याशी अब आमने सामने दिखाई देंगे। तो सत्यपाल सिंह सिकरवार मुरैना जिले की सुमावली सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं और भाई सतीश सिकरवार ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि जो उनकी भाभी हैं वो शोभा सिकरवार ग्वालियर की महापौर भी हैं। नीटू के लिए उमंग सिंघार पैरवी कर रहे थे, जबकि जीतू पटवारी जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के लिए लॉबिंग लगातार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी पसंद पर यानी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पसंद पर मोहर लगी है। विदिशा का टिकट उमंग की पसंद से ना दिए जाने के चलते वो नाराज भी चल रहे थे। और वहीं ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 3 महीने पहले चुनाव हारे नेताओं के बीच मुकाबला होगा। पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद प्रवीण खुलकर उनका विरोध भी कर रहे थे और इस सीट पर कांग्रेस ने महल विरोधी को टिकट दिया है, यानी बीजेपी से पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा उम्मीदवार है। तो ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अब जिस तरह से बात करें लंबा इंतजार तो पूरी तरह से खत्म हो गया लेकिन अंतिम सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो उमंग सिंघार की पसंद बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे थे जिस तरह से टिकट उनके जो प्रत्याशी उनको नहीं मिली थी। जब देखिए, अगर कांग्रेस की माने तो ये समन्वय से टिकट दिए गए हैं, सभी टिकट 3 जो टिकटों की बात करें खंडवा जो है, ग्वालियर है, मुरैना है, इन सीटों पर लगातार असमंजस बना हुआ था जिसको आज कांग्रेस ने दूर कर दिया है। जो है ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया, मुरैना से नीटू सिकरवार को टिकट दिया गया है, वहीं खंडवा से बात करें तो गुर्जर समाज से आने वाले नेता जो हैं राजेश पटेल को, उनको नरेंद्र पटेल, नरेश माफ कीजिएगा, नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। तो एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की गई। अभी हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने सामाजिक समीकरण साधे हैं, हमने जो है ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो जिताऊ हैं। तो मेन प्राथमिकता की बात करें तो कांग्रेस की मेन मुख्य प्राथमिकता यही है कि उनका जो प्रत्याशी जिसे वो टिकट दे रहे हैं वो जीत कर ही वापस लौटे और बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे। तो कांग्रेस की सामाजिक समीकरण साधने की जिस तरह कवायद की गई, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में प्रवीण पाठक को दिया गया, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। वहीं मुरैना की बात करें तो नीटू सिकरवार को टिकट दिया गया, सतीश सिकरवार उनके भाई जो है वो ग्वालियर से विधायक है, उनकी जो भाभी है वो महापौर है ग्वालियर की और बगल वाली सीट मतलब मुरैना लोकसभा से उनको टिकट दिया गया है। तो युवाओं को 2 टिकट दिए गए हैं, वहीं नरेंद्र पटेल को खंडवा से दिया गया है जिस पर सहमति जताई थी, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे राज नारायण पुरनी हो, चाहे सुरेंद्र सिंह सेहरा हो बुरहानपुर से, इन सबकी सहमति के बाद नरेंद्र पटेल को यह टिकट दिया गया है। गुर्जर समाज से आते हैं और सनावत से एक बड़ा नाम था और उसे यह टिकट दिया गया। हालांकि संगीता सिकर गांव को पहले नाम चल रहा था खंडवा से लेकिन कहीं ना कहीं उस नाम पर सहमति नहीं बन पाई। बात करें हम जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की, तो उमंग सिंघार की सहमति की बात कांग्रेस कर रही है, उनके सहमति से कई टिकट हुए हैं। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि उनकी सहमति से हुआ कि नहीं और यही कारण देरी का रहा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात तो
जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारी बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जो अभी तक कह रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि सामाजिक समीकरण और जिताऊ कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दी, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी गई। और ताना बाना अगर हम संजय खंडवा का ही, तो यहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल हैं। अब दोनों के बीच की राजनीतिक समीकरण को अगर समझना चाहें तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ज्ञानेश्वर पटेल, वहीं जिला महामंत्री भी रहे, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नरेंद्र पटेल की तो ये भी सांसद रह चुके हैं, तो दोनों ही जिताऊ कैंडिडेट हैं। किस तरह की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आएंगी? देखिए, ज्ञानेश्वर पटेल उपचुनाव लड़कर सांसद बने थे। पिछले बार जब खंडवा में उपचुनाव हुआ था, ज्ञानेश्वर पटेल को बीजेपी ने मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत हासिल की थी, अरुण यादव को उन्होंने शिकस्त दी थी, और उसके बाद से यही देखते हुए शायद पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है और लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं नरेंद्र पटेल की बात करें तो नरेंद्र पटेल जो है वो गुर्जर समाज से आते हैं, अच्छी पृष्ठभूमि है, सनाबद क्षेत्र और गुर्जरों का जो खंडवा में प्रभुत्व है जिन क्षेत्रों में, उनमें उनकी अच्छी दखल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका संरक्षण, उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है, चाहे अरुण यादव हो, खंडवा लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, वहीं नारायण राज नारायण पुरनी की बात करें, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। और अब हम बात करें तो जिस तरह से उनको टिकट दिया गया है, तो सामाजिक समीकरण देखते हुए और समीकरण देखते हुए खंडवा में तो इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, इसके उलट ग्वालियर में इस तरह की स्थितियां हैं कि दोनों ही विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और दोनों ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। दिनेश, तमाम जानकारी।